दोस्तों कल अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर लिया। वहीं पॉइंट्स टेबल में नेदरलैंड भी अपना काफ़ी बेहतरीन करके अभी भी सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह से दावेदारी कर रही है। आपको बता दूं टीम इंडिया को 2 मुकाबले और खेलने और 2 मुकाबले कितने रन से जीतना होगा तब सेमीफाइनल में पहुँच सकती है। वहीं 2 टीमें 100% सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है, तो ये 3 ऐसी टीमें हैं जो ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं सेमीफाइनल से। वही T20 वर्ल्ड कप का नया पॉइंट्स टेबल कैसा है, कौन सी टीम कौन से पायदान पर है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 2 टीमों की जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो पहली टीम इंग्लैंड है और दूसरी जो टीम है वो पाकिस्तान है। ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है और दोनों ही टीमें अपने अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। जहां इंग्लैंड टीम 8 अंकों के साथ ग्रुप 1 में टॉप पर है, तो वहीं पाकिस्तान 8 अंकों के साथ पहले स्थान पर जमी हुई है। वहीं बाकी अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर ज़रूर है। वहीं टोटल इस टीम के पास 6 पॉइंट है। अब इस टीम को बाकी बचे मुकाबले हर हाल में जीतना होगा, यानी कि मात्र 1 मुकाबला और ये खेली, अगर वो मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल में ये टीम जगह पक्की कर लेगी। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो नेट रन रेट है वो माइनस में है और बाकी बचे 2 मुकाबले में, तो 2 मुकाबले अगर काफी बेहतरीन से जीत जाती है तो हो सकता है ये टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकते। वैसे मात्र 60% चांसेस है कि ये टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। वही 80% चांसेस साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका ही सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली है। वही अगर हम अगली 2 टीमों की बात करें तो वेस्टइंडीज है। वेस्टइंडीज कंप्लीटली सेमीफाइनल से बाहर तो नहीं हुई है, लेकिन अपने 3 मुकाबले में से मात्र 1 ही मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में ये टीम 5वें नंबर पर जरूर है। अब आने वाले 2 मुकाबले कम से कम 80+ रन से जीतना होगा अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। वहीं अगर हम बात करें 2 टीमों की जो बाहर हो चुकी हैं, उनमें पहली टीम श्रीलंका है, श्रीलंका बाहर हो चुके हैं। दूसरी टीम बांग्लादेश है, बांग्लादेश पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर, 4 मुकाबले में 1 भी मुकाबला अब तक ये नहीं जीत पाई है। अपना आखिरी मुकाबला अगर जीतती भी है तो ये सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए और कंप्लीटली बाहर हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसा कि 3 मुकाबले में इंडिया मात्र 1 मुकाबला जीती है और 60+ रन से ये मुकाबला जीती है, जिसकी वजह से माइनस में नेट रन रेट था, अब प्लस में हो चुका है टीम इंडिया का। अब आने वाले 2 मुकाबले, एक तो नामीबिया के साथ और दूसरा जो स्कॉटलैंड के साथ, ये दोनों मुकाबले 70+ रन से अगर टीम जीतती है सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीतती है, अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीत जाती है तो सीधा टीम इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो न्यूजीलैंड टीम बहुत ही ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 मुकाबले इस टीम को अफगानिस्तान के साथ खेलना है। अब पाकिस्तान के साथ हार चुकी है, तो वहीं टीम इंडिया के साथ जीती हुई है, तो अब आने वाले 2 मुकाबले ये टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन चांसेस रहेगा सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए। वहीं अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो कल मुकाबला टीम इंडिया से हार गई थी, लेकिन अभी भी ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है, क्योंकि इस टीम का जो नेट रन रेट है काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन अब +1 पॉइंट ही नेट रन रेट रह गया। यानी कि जो अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड और टीम इंडिया, ये तीनों टीमों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड पहली ऐसी टीम बन गई ग्रुप 2 की जो कंप्लीटली सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। वहीं अगर हम नामीबिया की बात करें, तो नामीबिया को भी आने वाले मुकाबले अगर हारती है तो ये सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। मात्र 20% चांसेस है कि नामीबिया भी सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। तो दोस्तों ये है आईपीएल 2022 का निचोड़। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है,
तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पर टीम इंडिया है, पांचवें नंबर पर नामीबिया और छठे नंबर पर स्कॉटलैंड है। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप टू की, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर जो टीम है वो बल्कि कोई और नहीं, एक बेहतरीन टीम आप बोल सकते हैं, वो श्रीलंका है, और पाँचवें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ है, छठे नंबर पर बांग्लादेश है। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड वर्ल्ड कप के लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।